उन चेहरे के लिए। अगर आप हाथों पांव पे या गर्दन पे भी यही ब्लीच इस्तेमाल करना चाहती हैं तो आप ये पूरा पैकेट डाल दें, यानी चेहरे पर एक टीस्पून डाल के आप अप्लाई कर लें, बाद में बाकी की ब्लीच में बाकी का सारा पाउडर डाल दें और फिर इसको अप्लाई कर लें, तो ये एक पैकेट ही आपका हाथ पांव और चेहरे और गर्दन पर अप्लाई हो जाएगा। इसमें आपने तकरीबन एक टीस्पून का तीसरा हिस्सा जो है वो हल्दी मिलानी है। याद रहे कि आपने पाउडर के अंदर हल्दी मिलानी है और अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है, बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेगा। मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि जल्दबाजी नहीं करते, एक बार तसल्ली से आप बना लेंगे तो रिजल्ट भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। ब्लीच पाउडर और हल्दी को अच्छी तरह से मिक्स करना है हमने, और इसके बाद हम इसमें एक से दो टीस्पून जो है वो दूध के मिलाएंगे। अगर कच्चा दूध नहीं, आप उबला हुआ भी ले सकते हैं। अब इन तीनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करें, इससे आप ये देखेंगे कि इससे आपकी क्रीम जो है वो ब्लीच तैयार होने के बाद फूलेगी नहीं, और इसको अप्लाई करने में भी आपको आसानी रहेगी। बहुत अच्छी तरह से मिक्स करें कि ब्लीच का जो पाउडर है वो इस मिक्सचर में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, ताकि उसके दाने आपकी स्किन पर जो पाउडर के हैं वो ना आए और वो आपको किसी भी किस्म का नुकसान नहीं दे। अच्छी तरह से मिक्स करना है हमने इन तीनों चीजों को, एक दो सेकंड के लिए पड़ा रहने दें, और इसके बाद जो है वो आपने इसमें क्रीम ब्लीच शामिल करनी है। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या करना है कि मैं आपको, क्योंकि हाथ और पांव पे बाजुओं पे करके दिखा रही हूँ, मैं इसे चेहरे पर अप्लाई अभी नहीं करूंगी, तो मैं इसमें बाकी का पाउडर भी डाल दूंगी। ये जो हमने पहले तैयार की एक टीस्पून के लिए वो चेहरे के लिए थी, और चेहरे पर आपने इसको 15 मिनट लगे रहने देना है। आप देख रहे हैं मैंने बाकी का पाउडर भी इसमें मिला दिया है, तो अब ये आप हाथ पांव गर्दन और बाजुओं पे इसको अप्लाई कर सकते हैं, और चेहरे का भी मैंने इसी वीडियो में आपको बता दिया। अब जो ब्लीच क्रीम है वो इसमें आप शामिल करते हैं अच्छी तरह, तमाम चीजों को मिक्स कर लेने के बाद एंड पे हम इसमें ब्लीच क्रीम जो है वो शामिल करेंगे। जब तक मैं इसको मिक्स करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो यहाँ तक देख के आपको बहुत पसंद आई होगी, और जब आप इसका रिजल्ट देखेंगे आपको वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट नजर आएगा। तो आप इसे अपनी फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करेगा। आप अगर सैलून जाती हैं, पार्लर जाती हैं, तो इसको गोल्डन ब्लीच या पॉलिशिंग के तौर पर आपको यही ब्लीच अप्लाई कर दी जाती है। आप इसे घर पे भी बना सकती हैं। अगर आप उबटन नहीं इस्तेमाल करना चाहती तो इसका रिजल्ट आपको इमरजेंसी मिलेगा। ईद से पहले आप दो दिन पहले इसको कर लें, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बॉयज इसको इस्तेमाल नहीं करें, उनके लिए कल की वीडियो जो है मैंने अपलोड कर दी थी होममेड ब्लीच के नाम से, आप वो ब्लीच क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि दूसरी ब्लीच की तरह बिल्कुल भी फॉर्म की शक्ल में नहीं आई है। इसको बनाने का यही सीक्रेट है, ताकि इसको पहचाना ना जा सके कि ये ब्लीच क्रीम बनाई जा सकती है। तो आप इसे ब्रश की मदद से अपने चेहरे पर अप्लाई करें। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बता दिया कि चेहरे के लिए आपने एक टीस्पून पाउडर लेना है, और अगर चेहरे के अलावा आप अपनी गर्दन पे, हाथ पांव बाजुओं पे करना चाहते हैं तो पूरा पैकेट ब्लीच का डाल दें। अच्छी तरह से ब्लीच को अपने हाथों पे अप्लाई करिए, और हाथ पांव और गर्दन और बाजुओं के लिए आप इसे 25 मिनट दें। 25 मिनट के दौरान जब ये थोड़ी सी ड्राई हो जाए तो इसको एक बार फिर से पीट करें, वो मैं आपको आगे चल के बता दूंगी। आप देख सकते हैं कि मैंने इसको अप्लाई कर लिया, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, अपने परेशान नहीं होना। और इस ब्लीच क्रीम को भी 17 साल से नीचे कोई भी गर्ल जो है वो अप्लाई नहीं करे, मैं आप लोगों को जो है वो मशवरा नहीं दे रही। मैं दूसरे हाथ पे भी इसको अप्लाई कर लेती हूँ, और फिर उसके बाद आपको बताते हैं कि आगे चल के हमने क्या करना है कि हमें इसका रिजल्ट जो है वो डबल मिले। ठीक हो गया, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मैंने दोनों हाथों पे अप्लाई कर ली है, तो एक हाथ के ऊपर जो है वो ये ड्राई हो चुकी है, मैंने इसको बीट कर लिया है, और दूसरे हाथ पे मैं इसको दोबारा से बीट कर लूंगी, ताकि जितनी ड्राई हुई है ये जरूरी है, आपने इसको लाजमी बीट करना है जब तक ये ड्राई नहीं हो जाती। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है तो आप एक टीस्पून या आधा टीस्पून जो है वो पाउडर का ले सकते हैं। अगर आपकी स्किन पर किसी किस्म की कोई एलर्जी है या बहुत ज्यादा सेंसिटिव है तो बराए मेहरबानी इसको अप्लाई मत करें। दोनों हाथों पर हमने इसको बीट कर लेने के बाद 5-7 मिनट दोबारा से फिर इंतजार करना है, ताकि ये अपना वर्क जो है वो बहुत अच्छी तरह से कर ले। इसे ड्राई होने दूंगी 10 मिनट के लिए या 5-7 मिनट के लिए। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ड्राई हो चुकी है, जैसे कि आपको देखने में भी नजर आ रहा है कि मैं इसको इस तरह से रिमूव करूंगी तो मेरे हाथ को चिपकेगी नहीं। आप इसको जब हल्के हाथ से रिमूव करके देखेंगे तो आप व्हाइटनिंग आपको वाजह तौर पर यहीं पर नजर आ रही है। तरह से इसको हटा के देखिए, आपको आपका मतलूबा रिजल्ट जो है मिल चुका होगा। अगर कोई थोड़ी बहुत गुंजाइश रहती हो तो 2-3 मिनट आप इसको दोबारा से वेट करते हैं, हल्का सा पानी से शावर करके। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई होगी तो जल्दी सूख जाएगी, तो आपने जल्दी नहीं उतारना इसको। 25 मिनट के लिए आप शावर करें अपने हाथ के ऊपर, इसको इसका टाइम पूरा होने दें। ठीक हो गया, आप मैं इसको वॉश करके आती हूँ। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने अपने हाथों को वॉश कर लिया है, और रिजल्ट बिल्कुल आपके सामने है, और ये 25 मिनट के अंदर मुझे इतना जबरदस्त रिजल्ट मिला। इससे पहले आप इसे दो बार दोहरा लें तो वेल एंड गुड है, वैसे इसे आप 10 दिन के बाद दोहरा लिया करें। उसके बाद लास्ट
स्टेप मेरा आप लोग जानते हैं कि मैं सूथिंग लोशन जो है वो उससे अपने हाथों का मसाज करूंगी और मैं इसे गीले हाथों पे करूंगी। बहुत ज्यादा गीले नहीं होने चाहिए, वेट हैंड होने चाहिए आपके। और आपने 2 से 5 मिनट जो है वो इसका मसाज करना अपने हाथों पे, खूब जान लगा के अच्छी तरह से। जल्दबाजी नहीं करनी आपने, इस लोशन को अपने हाथों के अंदर जज्ब होने देना है। अच्छी तरह से हल्के हाथ से इसका मसाज करें और जैसे जैसे आप इसका मसाज करते जाएंगे आपको व्हाइटनिंग नजर आना शुरू हो जाएगी इससे भी ज्यादा। इसके अलावा मुझे वीडियो के मुतालिक आपने फीडबैक जरूर देनी है, चाहे आप इसको अप्लाई करने के बाद मुझे फीडबैक दें जब आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और इसको जिनका मतलब कलर बहुत ज्यादा डार्क है वो लोग के हल्दी वाली ब्लीच अब इस्तेमाल किया करें। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमें बेस बनाने के लिए, फाउंडेशन बनाने के लिए जो ज्यादा मतलब कम्प्लेक्शन जिनका डार्क होता है वो पहले उसको येलो बेस के साथ हम जो है वो अप्लाई करते हैं, उसके बाद कुछ और बनाते हैं। तो इसी तरह से ये हल्दी मिला लेने से सिर्फ आपके बाल गोल्डन नहीं होंगे, आपको व्हाइटनिंग भी मिलेगी। जैसे जैसे मैं मसाज करके जा रही हूँ आप सबको दिख रहा होगा कि इसकी व्हाइटनिंग भी अब ज्यादा हो रही है। अब अच्छी तरह मसाज कर लेने के बाद इसको हमने फिर से जज्ब होने देना है स्किन के अंदर। 1-2 मिनट में ये हो जाएगा, आप इसको साफ ना करें, इसको इसी तरह से जज्ब होने दें। अच्छी तरह से मसाज करना अपने नकल्स पर भी और हाथों पर, अच्छी तरह से बाजुओं पे भी आपने अप्लाई किया और फाइनली ये ड्राई हो चुका है, मेरी स्किन के अंदर जज्ब हो गया है। तो आपके रिजल्ट आपके सामने, उम्मीद करती हूँ कि रिजल्ट देखने के बाद आपको भी बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। इसको अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा प्लीज। ये बहुत अच्छी ब्लीच क्रीम है जिससे आपको हल्दी शामिल कर लेने की वजह से, दूध शामिल कर लेने की वजह से जलन भी महसूस नहीं होगी और आपको रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा। इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना, और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे। तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए, इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती।